तेरे इतने पर निकल आए। मालिक मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, ये बच्चा नहीं होगा। बचाओ। मर गया हरामखोर साला, उठा के भट्टे में झोंक दो। विकास मंत्री होने दोस्त मिलने लगा, फिर चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी हो वो अपने संबंध सबसे बनाकर चलता था, क्योंकि विकास को मालूम था अगर गैर कानूनी काम करना है तो नेताओं से संबंध बनाकर चलना होगा। प्रणाम मंत्री जी। प्रणाम प्रणाम, और क्या हाल चाल है जी? सब बढ़िया है मंत्री जी, जीत की बधाई है मंत्री जी। धन्यवाद, बैठिए दुबे जी, और बताएं क्या हो रहा है दुबे जी? कुछ खास नहीं मंत्री जी। और दुबे जी कैसे हैं आप? जी मंत्री जी, आपकी कृपा है। अरे नहीं मंत्री जी, लीजिए लीजिए दुबे जी, पार्टी हमारा है और आप लेंगे नहीं, लीजिए लीजिए, मजा ही नहीं आएगा दुबे जी। Yes. चलते हैं मंत्री जी। राम राम। मंत्री जी वो तो सब ठीक है, लेकिन पुलिस से कैसे निपटा जाए? उसकी चिंता तुम ना करो, पुलिस से हम निपट लेंगे, बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो। हो जाएगा। और हथियार जितना चाहे हम तुम्हें देंगे, बस काम हो जाना चाहिए। चुनचु सारा बिल्कुल एवन माल, अवैध। अरे मामा ये छोड़ो यार, आपके लिए ये स्पेशल गन लेके आए, 20 मीटर दूर से आदमी खत्म। बहुत बढ़िया भांजे, आप ही के लिए तो सब कर रहे हैं। मामा हमें पूरे कानपुर पे कुमत करनी है। मंगाओ, तुम चिंता मत करो भांजे, पूरे कान और खिलो दूंगा। क्या हुआ मामा, दुकान लूटने का इरादा है क्या? लूटने का नहीं, क्यों ना भांजे दुकानें ले ली जाए। पर मामा वो अपनी दुकान हमें क्यों देगा? उसवाला देगा कैसे नहीं, लेना पड़ेगा, और नहीं देगा तो गोली खाएगा तब देगा। वैसे है किसकी दुकान है पता करो जरा? अरे ये दुकान है वो जो अपने मास्टर साहब है सिद्धेश्वर पांडे, अरे वही जिनसे आप पढ़े हो। अच्छा अच्छा अच्छा, वो साला स्कूल बना के इतना मार छाप दिया। क्यों भांजे, फिर तो मिलना पड़ेगा मास्टर जी से। कहाँ मिलेंगे मास्टर जी? स्कूल तो बंद चल रहा है मामा, पंचायत घर में मिलेगा। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते, आपको अंदर आने की इजाजत किसने दी? हमें किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है मास्टर जी, लेकिन हाँ जब हम अंदर आ जाते हैं ना तो लोग खुद हमसे परमिशन लेकर बाहर जाते हैं। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी। महोदय सविनय निवेदन यह है कि आपके विद्यालय के जो बाहर की दुकानें हैं
वो अब हमें चाहिए। अब आपको सोचना यह है कि वो आप कैसे देने का खर्च करेंगे। तुम्हें तुम्हारी गुंडागर्दी आने चलने वाली। तुम जैसे सुरक्षा गुंडों से मुझे अच्छी तरह निपटना आता है। तुम ही अपनी गुंडागर्दी ना कहीं। अरे तेरी भाषा तो सब समझते हैं। इतनी देर से हम मास्टर जी को समझा रहे थे, समझ ही नहीं रहे थे। तूने एक लफ्ज क्या बोला, मास्टर जी चुप ही हो गए। मास्टर जी, ओ मास्टर जी, लगता है बिना बाय बोले ही चले गए। मास्टर जी तो निकल लिए। राम राम मास्टर जी। मोहन सिंह, कल घर पीस ट्रक ईटा पहुंच जाना चाहिए, वरना तो अपने घर नहीं पहुंचेगा, समझा? चल निकाल जितना माल है। सिद्धेश्वर पांडे की हत्या के बाद उसका दबदबा तेजी से बढ़ने लगा। यहाँ तक कि लोग उसका नाम सुनकर ही कांपने लगते थे और उसके नाम को खौफ इस कदर बढ़ गया कि लोगों की जमीनें उनसे जबरदस्ती लिखाने लगा। कानपुर पुलिस डिपार्टमेंट में इनकाउंटर, स्पेशली डीएसपी सूर्य ने ड्यूटी ज्वाइन की है, तब से चोरों बदमाशों में उचित खलबली। वेलकम टू कानपुर सर, आपकी बहुत तारीफ सुनी है सर, आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा। थैंक यू, यहाँ के लोकल लीडर तहसीलदार से मिलना चाहूंगा, मीटिंग अरेंज करो और जितने भी पेंडिंग केसेस फाइल हैं मेरे टेबल पर रखो। एक आदमी पे इतने सारे केसेस, इसको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया?
सर, प्रयास तो हमने कई बार किए लेकिन उसका बड़े बड़े नेताओं साथ उठना बैठना है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सके। इसको जानते हो? ये यहाँ पर अक्सर सिगरेट पीने के लिए आया करता है। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ सिगरेट पीने के जाते हैं, किसकी याद रखूँ? चलिए हटिए कस्टमर ने। सर ये ऐसे नहीं मानेगा। लग तो रहा है। बताता हूँ। आप मिश्रा को चार गई, मिश्रा को होगी, मिश्रा को पकड़ लीजिए, उत्तर मिल जाएगा आपको। सर यहाँ नहीं है। बता दुबे कहाँ है? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता है। अभी पता चल जाएगा। पुलिस को देख के मुर्दे भी सच बोलते हैं, तुम तो फिलहाल अभी जिंदा हो। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता है, वो तो एक साल से यहाँ नहीं आया है। ये बैग किसका है? मेरा है सर। साहिल, ये भाई साहब का बैग चेक करना, कुछ मिले तो बताना। सर इसका लाइसेंस है तुम्हारे पास? साहब ये तो आपका है, हमारा नहीं है साहब। क्या हमने तुम्हारे बैग में रखा है? क्यों, हमने रखा है? नहीं सर। साहब मजाक क्यों कर रहे हैं साहब? अरे इसमें मजाक की क्या बात, बैग आपका तो असला भी आपका, वेरी सिंपल। बैठिए और हमारी बात ध्यान से सुनिए। ये जो तुम्हारे बैग से गैर कानूनी असलाह मिला है, इसके लिए हम तुमको गिरफ्तार भी कर सकते हैं और जेल भी भेज सकते हैं। धारा 25 लगी। हाँ सर, धारा 25 इलीगल आर्म्स एक्ट के तहत, मतलब 5 से 10 साल की सजा। और थाने में जो लोग मिलेंगे ना, मार मार के पिछवाड़ा सुझा देंगे। बताओ जेल जाना चाहते हो या दुबे को फोन लगाओगे? हेलो भैया, नमस्ते वकील साहब। नमस्ते, बैठिए अमर जी। सनी एक चाय ले आना। आप कुछ भी करिए, कल तक भैया की बेल हो जानी चाहिए। और पैसे की चिंता आप बिल्कुल मत करिए, जितना आप चाहेंगे आपको मिल जाएगा। बेल तो हम करा देंगे, लेकिन कोई भी गवाह कोर्ट नहीं पहुंचना चाहिए। उसकी चिंता आप मत करिए वकील साहब। चाहिए जाओ और मेरे खिलाफ जितने भी गवाह हैं उन सब का मुंह बंद कर दो और उनको ऐसी मौत दो कि आज के बाद कोई हमारे खिलाफ गवाही देने की सोचे भी तो उसकी फट के हाथ में आ जाए। Thank you.
तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम विकास दुबे के खिलाफ कोई भी गवाह और सबूत न मिलने के कारण विकास दुबे की बेल मंजूर की जाती है। देखा पंडित जी हमारा कमाल, कैसे चुटकियों में मैंने बेल कराई। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब आपका। अमर जी भैया, वकील साहब का मुंह मीठा कराइए। ठीक है, आइए वकील साहब। भैया आपके आने की खुशी में एक छोटा सा पार्टी रखे हैं करण भैया, चलिए कुछ नाच गाना हो जाए। चलिए। उठाइए ना, उठाइए। आओ बैठो। अरे भैया आप चलिए, हम थोड़ा जीप से मिलके आते हैं, कॉल आ रहा है उसका। साले लौंडिया बाज, जाओ पर उसके चक्कर में बकरी मत बन जाना। दुबे जी, अगर मेरी मानो पुलिस और अगर जेल जाने से बचना है तो इस बार आप इलेक्शन की तैयारी कीजिए। इलेक्शन और हम, वकील साहब इलेक्शन तो हम लड़ जाएं, लेकिन क्या पक्का कि हम ही जीतेंगे? देखिए दुबे जी, जीतता वही है जो लड़ता है, और जो लड़ेगा नहीं वो जीतेगा कैसे। और वैसे भी इस कांड के बाद आपका इस शहर में बहुत दबदबा हो गया है। लड़ जाया जाए इलेक्शन। जी भैया, वकील साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है फिर, लोगों को खबर कर दो इस बार इलेक्शन में हम खड़े हो रहे हैं। हम भी तो चखे राजनीति का थोड़ा स्वाद। आओ गुरुस्वामी बैठो। मंत्री जी आपने सुना नहीं, इस बार विकास इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। कौन विकास? अरे अभी जो पंचायत घर में मर्डर हुआ था, सिद्धेश्वर पांडे, अरे प्रिंसिपल साहब का, वो उसी ने तो किया था। अच्छा, एक दो मर्डर क्या कर लिया, हमें आपको बहुत बड़ा गुंडा समझने लगा। हमारे सामने खड़ा होगा। सुना इलेक्शन में खड़े हो रहे हो? हाँ तो इलेक्शन में हम खड़े हो, इसका मतलब समझते हो? चुनाव हम जीत चुके हैं। माँ की गाली मत देना मंत्री जी। चाहे माँ की गली दे या बाप की, ये हमारा इलाका है। डेफिनेट एक फोटो भेजे है तुम्हारे पास, एक पंछी को ज्यादा ही ऊंची उड़ान उड़ रहा है, इसके पर पता दो। का हो दुबे जी, का बे ठीक है, कश्मीरी सेब खाओगे? कश्मीरी सेब डालो अपनी, चलो निकलो। अरे बहुत सारा आतंकवादियों को पाल पोस के बड़ा किया, ये लीजिए खाइए।